वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी होगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, नई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि आज जो होम रेमेडी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 15 दिनों में ही आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगी। देखिए, मानसून में हेयर फॉल होना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि बारिश के पानी में केमिकल और कार्बन होते हैं जो बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और मानसून में ह्यूमिडिटी के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा बालों की केयर नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज चलिए थोड़ी सी मानसून में बालों की एक्स्ट्रा केयर कर लेते हैं और इस रेमेडी को बनाने का तरीका जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक बाउल में दही लिया हुआ है। मैंने इस टेबल स्पून से, यानी कि आपको सबसे बड़ा जो टेबल स्पून है उससे आपको 2 टेबल स्पून दही लेना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच दही लिए हैं। कर्ड दही जो होता है वो बालों का गिरना कम करता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को रिमूव करने में हेल्प करता है, एंड सर पर होने वाली खुजली को दूर करने में हेल्प करता है, और सबसे ज़्यादा तो बालों की डलनेस और ड्राइनेस को दूर करके उसे डीप कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है। तो दही कंडीशनिंग के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। अब इसमें मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास रियल एलोवेरा जेल है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं प्लम का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आपको मीडियम साइज का स्पून लेना है, 1 टेबल स्पून एंड 2 टेबल स्पून। एलोवेरा जो होता है वो स्कैल्प से जुड़ी प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्प करता है, स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। एलोवेरा में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये हमारे बालों में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और अब इसमें दही मिल गई, एलोवेरा मिल गया। अब जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है कोकोनट ऑयल। तो आपको 3 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल लेना है। ध्यान रखिएगा, कोकोनट ही ऑयल यूज करना है, मस्टर्ड ऑयल यूज मत कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून लिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, फायदेमंद होता है। ये हमारे बालों को डीप मॉइस्चराइज करता है, एंड बालों में जो कभी कभी आपने देखा होगा सर पे सूखी परत हो जाती है, वाइट वाइट सी निकलती है, ये उस प्रॉब्लम को खत्म करने में हेल्प करता है, बालों का टूटना कम करता है और शाइन प्रोवाइड करता है। तो इन सारे इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप इसे हफ्ते में 2 बार अप्लाई करके देखिए, आपको 15 दिनों के अंदर ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे, झड़ना, जो मानसून में इतने इतने ढेर सारे बाल टूटते हैं, ऐसा लगता है कि बस गंजे ही हो जाएंगे, तो वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। और हाँ, इस हेयर मास्क को आपको अपने बालों में 2 घंटे लगाकर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद रिमूव कर दिया, तो इसकी गुडनेस आपके बालों में अच्छे से नहीं जाएगी। इसलिए आपको 2 घंटे, 2.5 घंटे, अगर आप चाहें तो इसे 3 घंटे भी लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 घंटे इसे लगा कर रखना है अपने बालों में। तभी आपके बालों को जड़ से ठीक करेगा, डीप कंडीशनिंग देगा, बालों का टूटना कम करेगा, झड़ना कम करेगा। और अगर आप मानसून में एक्स्ट्रा केयर नहीं कर पा रहे हैं, बालों में ऑयलिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इसमें मैंने कोकोनट ऑयल मिलाया है, और दही भी जो होता है वो मॉइस्चराइजर का काम करता है। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आपके बालों को मजबूत बनाएंगे, नई ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे। तो आप इसको 2 घंटे तक अपने बालों में लगा कर रखिए, फिर अपने किसी भी माइल्ड शैम्पू से, फेवरेट शैम्पू से हेयर को वॉश कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसमें कंडीशनर मिला हुआ है, यानी कि दही मिली हुई है, तो आपको कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ शैम्पू कर लीजिए और फिर एयर ड्राई से इसे नेचुरल हवा में बालों को सुखाइए और फिर इसका रिजल्ट देखिए।
बहुत ही जल्दी आपको अपने बालों में अंतर समझ में आने लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी बालों के झड़ने टूटने की समस्या खत्म हो। आप चाहें तो आप इसे अपने छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, तो आप इसे अपने बच्चों के बालों में भी लगा सकते हैं और फिर देखिए बालों में क्या चमक आ जाएगी। आपको मार्केट के हेयर मास्क अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, महंगे महंगे पार्लर में जाकर के ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, जब घर पर ही आपके घरेलू उपाय है। तो चलिए मैं मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।